एवरीवन, वेलकम बैक टू माय छठ पूजा ब्लॉग। और ये छठ पूजा का ब्लॉकबस्टर ब्लॉग है। देखिए पूरा घाट को किस तरह से सजा दिया गया है। हम लोग सुबह 3 बजे से उठे हुए हैं, जागे हुए हैं, और सुबह 3 बजे नहा धोकर हम लोग एक घाट पे पहुंच गए हैं। और अंधेरा भी है, देख सकते हैं सूर्य अभी नहीं निकला है। और मैं ये ब्लॉग आप लोगों के लिए बना रही हूँ क्योंकि छठ पूजा जो है बिहार का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण पावन त्यौहार है। और यहाँ आप घाट देख सकते हो। थोड़ा अभी यहाँ पे मेरी माँ जो है नहाने लगी है क्योंकि अब जो है टाइम हो गया है सूर्योदय का, तो आधा घंटा पहले लोग पानी में नहाकर पानी में सूर्य देव की मतलब वेट करते हैं, उनके लिए आराधना करते हैं, उनका ध्यान लगाते हैं। और यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट सुबह हो चुकी है और सूर्य उदय होने का एकदम से समय हो गया है, तो सूप लेकर अब हम लोग अर्घ डालेंगे। और अर्घ डालना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और अर्घ ही दिया जाता है। तो अब यहाँ पे पूजा होगा, अर्घ देंगे, सूर्य देव की पूजा करेंगे। और आप लोगों को तो पता ही है छठ पूजा क्यों कैसे होता है। तो यहाँ पर हमारे घर में पूजा हर साल होता है, तो यहाँ पे ये घाट मेरा है और वो सूप मेरा था। और यहाँ पे देखिए रेड रेड कलर का छोटा सा सूर्य निकल चुका है, तो अब हम लोग अर्घ डालेंगे। एक्चुअली मेरा वीडियो बनाने वाला कोई नहीं था, तो मैंने एक बच्चे को पढ़ा दिया था, तो वही उसने ही ये वीडियो शूट करा है। और देखिए घाट पर काफ़ी भीड़ है मॉर्निंग में, इवनिंग में इससे भी ज़्यादा भीड़ था, लेकिन मॉर्निंग में भी बहुत भीड़ है क्योंकि मॉर्निंग में तो सिर्फ बिहारी लोग ही आते हैं प्रसाद लेने। तो यहाँ देखिए हम लोग अर्घ डाल रहे हैं। और यहाँ पे पूजन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हुमाद देना और पंडोर करना, ये सब लोगों को करा के अर्घ देने के बाद अब जो है सिंदूर लगाया जाएगा और सबको प्रसाद बांटा जाएगा। तो इस तरीके से मेरे घर में पूजा होते हैं छठ पूजा। और यहाँ पे खोइचा ले रही है अपना खुद का, इसमें से सूप का फल जो है, जो अर्घ देने के बाद जो फल है, सबसे पहले जो प्रवृत्ति होती है जो व्रत धारण करती है वो अपना खोइचा निकालती है, फिर वही सबको प्रसाद भी बांटती है। तो इस तरह से हम लोगों का छठ पूजा इस बार बहुत ही अच्छे तरीके से संपन्न हुआ। मेरे ब्लॉग को पूरा देखना, और आप अगर आप न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाती रहूँगी। और ये छठ पूजा का जो है छठ महापर्व का ये स्पेशल वीडियो और स्पेशल ब्लॉग आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। खासकर मेरे बिहार लोग, बिहार वासियों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये सिंदूर का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है, यहाँ पे सभी जो महिलाएं हैं सिंदूर जरूर लगवाती हैं, प्रसाद ले चाहे नहीं ले लेकिन सिंदूर जरूर लगवाती हैं। तो यहाँ पर अब हमारे घर पर सिंदूर भी है। और एक अंकल भी आए थे, वो पूरा केला का कांदी लेकर आए थे। तो आप जानते हैं कि छठ पूजा में घाट पे जो है सुबह लोग स्पेशली प्रसाद लेने ही जाते हैं, तो प्रसाद वितरण जरूर होता है। तो यहाँ पे ये अंकल को खोइचा मिल गया सुपर का, और अब धीरे धीरे जो है सबको प्रसाद बांटा जाएगा। और ये पूरा केला का एक कांदी हम लोगों ने बांट दिया प्रसाद के तौर पर। और यहाँ पर मैं अर्घ डाल रही थी और पानी एक लोटा जल सूर्य देव को दे रही थी और अपनी मनोकामना कह के। और अब जो है हम लोग साड़ी धोएंगे क्योंकि साड़ी धोने का भी एक परंपरा है, बहुत ही महत्वपूर्ण परंपरा है। साड़ी धोने का जो पुण्य मिलता है उसका भी कुछ फल मिलता है। बोलो हैप्पी छठ पूजा। तो देखिए यहाँ पर साड़ी हम लोग धो रहे हैं। साड़ी धोना चाहिए, हर कोई साड़ी छीन लेता है धोने के लिए, पर इस वक्त मुझे मिला तो मैं धो रही हूँ। यहाँ पे पानी बहुत गहरा था और बहुत बड़ा तालाब है और बहुत ही ज़्यादा लोग भी आए थे, तो यहाँ पे डुबा डुबा के हम लोग साड़ी धो रहे हैं। और छठ पूजा ब्लॉग जो है बहुत लोगों ने बनाया होगा, तो हमारा छठ पूजा कुछ इस तरह से था।
आप लोगों को पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, और लाइक तो करना ही करना और शेयर भी कर देना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और यहाँ देखिए कितना भीड़ है, और हमारा छठ पूजा इस वक्त बहुत ही अच्छे से पार लग गया। हम बिहारियों का बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है ये, इसमें गलती नहीं होती, गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती है। बहुत पवित्र पावन त्यौहार है, और इस तरीके से हमारा छठ पूजा पार लगा। और यहाँ पर देखिए घर आने के बाद जो है हम लोगों ने प्रसाद भी बांटना शुरू कर दी, क्योंकि प्रसाद बांटना पड़ता है। बिना प्रसाद बांटने का जो चलन है ना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्रसाद बांटने वालों को और खाने वालों को, लेने वालों को पुण्य मिलता है। और गन्ना तो मेरा सबसे फेवरेट प्रसाद है, तो मैं यहाँ पे एक गन्ना उठाकर अपना गन्ना खा रही हूँ। तेरा छठ पूजा का मेरा प्रसाद, मेरा फेवरेट प्रसाद है।